अनुराग और शीरो का हमने कार्ड बनवा लिया है, जो दो बच्चे दिए थे भाई टीम में, भाई मैं इसलिए निकाल के ले आया। बूंद अपने पप्पी को आपने देनी है। सो हेलो गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल डॉग लवर 2.0। गाइज मैं आप दिखाना चाहता हूँ आपको, मैं ना आज बच्चों को बाहर ले आया हूँ, बाहर निकालने लग गया हूँ, लेकिन कल से निकालने लग गया हूँ। दो बच्चे हमारे सेल हो गए हैं भाई, दो चले गए और रह गए हैं मेरे पास चार। तो अब मैं बता रहा हूँ गाइज, मैं इनको बाहर निकालने लग गया हूँ इसलिए क्योंकि भाई अभी है ना थोड़ा घूम फिर रहे हैं, कच्चे में छोड़ने जरूरी है। और इस बात का हमेशा ध्यान रखें भाई, जहाँ भी आपका कई जगह कच्चा नहीं होता, कई जगह कच्चा होता है, जो कि मट्टी वाली जगह होती है, मट्टी वाला प्लेस होता है, वहाँ अपने बच्चों को जरूर खिलाएं, जरूर छोड़े थोड़ी देर के लिए। तो अभी दिखाता हूँ सारे बच्चे कैसे खेल रहे हैं अपनी माँ के साथ। आया वे यहाँ जल्दी, गाइज ये देखो ऐसे सारे के सारे सारे बच्चे खेल रहे हैं मट्टी में। भाई मैं इसलिए निकाल के लिए आया क्योंकि अभी लैट्रिन वगैरह करने लग गए बाहर, तो अब ये सीख जाएंगे, जैसे हम आदत डालेंगे ना भाई वैसी आदत डलेगी। अब देखो बाहर इन्होंने लाते ही पहले सबसे पहले टॉयलेट और लैट्रिन करी है, तो इनको जैसी आदत हम देंगे वैसी होगी। और भाई शुरू से ही आज मैं अभी जब इनको खिला के मैं घर जाऊँगा तो बताऊंगा आपको शुरू में स्टार्टिंग में वैक्सीन के बारे में, क्योंकि मेरे दो बच्चों को वैक्सीन मैंने करवा दी है, दो दिन हो गए। और किस तरीके से स्टार्टिंग में वैक्सीन का, ये देखो गाइस और किस तरीके से वैक्सीन करानी है मैं वो भी बताऊंगा आपको, कि स्टार्टिंग में कैसे वैक्सीन करानी है, कैसे शुरू करनी है वैक्सीन आपको, कौन सी दवाई से शुरू करनी है स्टार्टिंग में। तो बने रहो ब्लॉक में। एक और बैठा है भाई हमारा, ये स्ट्रीट डॉग है भाई, रोज नया कुत्ता लावे रोज छोड़ दे, रोज लावे रोज छोड़ दे, पांच कुत्ते लिया है पांच दिन में। पहुंचा दूंगा गौशाला खोल रख के, गौशाला में भेज दिए। गाइस बच्चों का भी और लीजा का भी खाना तैयार कर दिया है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। भाई जिसको पास छोटे बच्चे हैं ना, 40 दिन का 35 दिन का आपका बच्चा हो जाए, तो मैं बताता हूँ वैक्सीन कैसे स्टार्ट करनी है आपको, आप बने रहो वीडियो में, बताता हूँ अभी आपको। दवाई पिला दो बेटा मैं। तो गाइस जब भी आपका पपी 35 दिन 40 दिन का हो जाए, जब फर्स्ट वैक्सीनेशन उसको करवानी है, तो उससे पहले आपको क्या करना है, मैं घर पे ही आपको क्या करना है मैं बताता हूँ अभी आपको, क्योंकि गाइस देखो मेरा ये एक्सपीरियंस है, बाकी आप अपने डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हो, और ये ना एक बहुत ही बढ़िया, मतलब मैं भी डॉक्टर से सलाह लेता हूँ जब ये काम करता हूँ, और कभी कभी जब मेरे को दिक्कत लगती है तो मैं डॉक्टर की सलाह लेता हूँ, जहाँ तक मेरे खुद के बस की रहती है तो मैं खुद ही करता हूँ। ये किसी इस तरीके की दवाई दिख रही है आपको, ये गाइस है ना आपको है ना एनिमल के मेडिकल पर नहीं मिलेगी, जो हमारा मेडिकल होता है उस पर मिलेगी, और ये है ना हमें 3 ड्रॉप देनी है अपने पपी को, ये देख लेना गाइस आप, और ये 3 ड्रॉप देने के बाद फिर 3 दिन बाद फिर 3 ड्रॉप देनी है, उसके बाद आपको वैक्सीनेशन करानी है, क्योंकि भाई मैं अपने दो बच्चों की वैक्सीनेशन करा चुका हूँ और अब 3 दिन हो चुके हैं, अब दो को और देता हूँ ये दवाई आपके सामने, और मैं दिखाता हूँ कार्ड भी दिखाता हूँ आपको वैक्सीनेशन का। तो गाइस देखो मैंने ये ड्रॉप में ना 3 बूंद ले ली है, 3 बूंद अपने पप्पी को आपने देनी है, और 3 बूंद देने के बाद ये आपको फिर 3 दिन बाद फिर 3 बूंद देनी है, उसके बाद वैक्सीनेशन कराना है। तो गाइस मैं इसको दे रहा हूँ 3 बूंद, इसको दे देते हो भाई डिवॉर्मिंग करने के बाद ही आपको वैक्सीनेशन करानी चाहिए, और ये डिवॉर्मिंग की बहुत अच्छी दवाई है। बैस, ये बहुत शैतान हो गए देखो, और है ना भाई ये ग्रिप भी लगाने लग गए हैं। तो गाइस जैसा कि आपने देखा भाई, मैंने ना जो भी है बताया आपको वैक्सीनेशन आपने कैसे करवानी है स्टार्टिंग में, और जो वो दवाई मैं डिस्क्रिप्शन में उसका नाम डालूंगा वो भाई अपने वाले मेडिकल पे मिलेगी, जानवरों के मेडिकल पे नहीं मिलेगी। और आपका बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहता हूँ भाई, क्योंकि हमारी सैंडी बिल्कुल ठीक हो गई, शाम को देखता हूँ उसके पास वीडियो बना के लाऊंगा, उसकी जाता हूँ उसके हाल खबर लेने। और जैसा कि मैंने बताया नोरा और शीरो का हमने कार्ड बनवा लिया है, जो दो बच्चे दिए थे भाई उनको मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था, आपको कार्ड चाहिए आप खुद लगवाओगे या मैं लगवा के दूँ, तो उन्होंने बता दिया था कि भाई उनको खुद ही लगवाएंगे, और ये देख लो आप कार्ड, क्योंकि भाई अपने पास कोई चीज़ फेक नहीं है, जो कुछ आपके सामने ही है, ये नोरा का कार्ड है और ये शीरो का कार्ड है, और दो को वैक्सीन कल लग जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसके लिए ये देखो कैसे लगे, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो भाई अपने भाई के चैनल को अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो, और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सैंडी, तो गाइस ये सैंडी है, इसी से मिल रहा है, ये बीमार थी बहुत ज़्यादा अब, लेकिन ठीक है, इसको इंजेक्शन वगैरह सब हो गए हैं, और ये अब बिल्कुल ओके है, देखो भाई बिल्कुल भूली नहीं है, देखो कैसे कर रही है, और बहुत देर खेला हूँ मैं, इसके बाद वीडियो बना रहा हूँ इसकी। देखो भाई यार, जहाँ भी मैंने डॉग दे रखे हैं उनकी चिंता रहती है भाई, चाहे सेल कर रखे हैं चाहे वैसे भी दे रखे हैं कैसे भी है, लेकिन चिंता रहती है भाई, और मैं टाइम टाइम से मिलने जाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, आज थोड़ा टाइम मिला था, रात का टाइम है, आपको वीडियो दिख रही होगी रात की है, लेकिन बिल्कुल ओके है।